नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे एडवांस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेके। अब ऐसे में दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को काफी बड़ी खुशखबरी मिली है और आज के इस वीडियो में इस बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिये, हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के कुछ ही गिने चुने देशों के पास एरो इंजन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऐसे इंजन जो कि हमारे फाइटर जेट में लगाए जा सके। वो देश है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ हद तक चाइना ने भी इस पर सफलताएं प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्तों, भारत इस मामले में काफी ज्यादा पीछे था। भारत का कावेरी इंजन जो कि था आफ्टर बर्नर के बाद भी 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट को ही उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में हम टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी देश से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आज भारत ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे कर देती है। आप हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, अमेरिका भारत से पीछे चल रहा है। आप स्पेस टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, अमेरिका को भारत धीरे धीरे करके बीट कर रहा है। रूस, चाइना भी स्पेस के मामले में भारत से धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 20 से 30 सालों से यही सुनने को आ रहा है कि भारत किसी फाइटर जेट के इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन उस इंजन पर कोई बड़ी सफलताएं नहीं मिलती हैं। और ये हो पाता है भारत की गवर्नमेंट के लेट डिसीजन की वजह से। देखिए, भारतीय जो गवर्नमेंट अभी तक थी, उनके डिसीजन काफी ज्यादा लेट हो जाते थे, खासकर डिफेंस के मैटर में। पूछिए दोस्तों ये कि हमारी जो GTRE कावेरी इंजन को बनाकर तैयार कर रही है, इस इंजन को टेस्ट करने के लिए भारत में टेस्ट फैसिलिटी भी नहीं है। दोस्तों, GTRE हमारे कावेरी इंजन में थोड़ा बहुत बदलाव करती है। क्या है कि उसके बाद इसके टेस्ट के लिए इसे रशिया भेजना पड़ता है, रशिया से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसको करते करते लगभग 18 से 25 महीने बीत जाते हैं। सोचिए दोस्तों, भारत के पास इतनी जल्दी फाइटर जेट का इंजन कैसे आ जाएगा? थोड़ा भी बदलाव होने पर तुरंत रशिया में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है और इसी वजह से ये काफी लंबा खिस्ता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब GTRE ने डिफेंस मंत्रालय को इन फैसिलिटी को लगाने के लिए प्रपोजल दे दिया है और उन्होंने फंड की मांग की है। यानी कि दोस्तों, बहुत ही जल्द ही भारत में ऐसी फैसिलिटी लग जाएंगी जिससे जल्द से जल्द भारत के पास एक आधुनिक फाइटर जेट का इंजन होगा। तो दोस्तों, देखा जाएगा तो भारत को फाइटर जेट के इंजन की काफी ज्यादा जरूरत है। हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, हम ब्रिटेन से बात कर रहे हैं, कब तक दोस्तों हम दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेंगे? आगे आने वाले समय में हमारे तेजस मार्क टू, हमारे MCA मार्क टू जैसे फाइटर जेट में ऐसे इंजन लगने, तो उससे पहले ही क्यों ना हम ऐसे इंजन को बनाकर तैयार कर। तो एक फाइटर जेट के पूरे जीवन काल में 3 से 4 बार फाइटर जेट के इंजन बदले जाते हैं। अब ऐसे में अगर हमारी सेना में तेजस मार्क या फिर MCA 100 या 200 की संख्या में भी शामिल, लगभग 1000 से 2000 फाइटर जेट के इंजन की भारत को जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों, भारत ने डिफेंस मंत्रालय को इन फैसिलिटी को डालने के लिए फंड की मांग कर ली। अब आप लोग क्या लगता है, क्या इन फैसिलिटी को भारत में डालना चाहिए फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।